दोस्तों पिछली बार की वीडियो में हमने बात की थी गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। इस बार हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की सर्जरी ना कराने के क्या क्या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक जो पेशेंट हमारे पास आता है अगर स्टोन पड़ा हुआ है तो गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट ऑपरेट नहीं कराता है तो कई बार गॉल ब्लैडर फट जाता है, गॉल ब्लैडर परफोरेट कर सकता है। तीसरा, पेशेंट को कई बार गॉल ब्लैडर में पूरा काला पड़ जाता है, जिसको गैंग्रेनस गॉल ब्लैडर के नाम से भी जाना जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो ये सब होने के चांस ज्यादा होते हैं। कई बार पेशेंट एज फीवर के साथ पेशेंट आता है, उसमें गॉल ब्लैडर में पस इकट्ठा हो जाता है, उसको एम्पाइमा हम बोलते हैं। कई बार स्टोन नीचे कॉमन बाइल डक्ट होती है उसमें फंस जाता है, कोलिडोकोलिथियासिस, जो पेशेंट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है। या फिर पेशेंट हमारे पास आता है कि एक ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है, पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन होती है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। लंबे टाइम तक अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़े रहते हैं तो कई बार ये कैंसर में भी तब्दील होने के चांस रहते हैं।